यूपी सरकार की योजनाओं से समाजवादी नाम हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत समाजवादी पेंशन योजना से होगी। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने पेंशन योजना से समाजवादी शब्द हटाए जाने के संकेत दिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद ही इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के दावों को हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। पीडब्ल्यूडी ने राज्य में 53,000 किलोमीटर से ज्यादा गड्ढे वाली सड़कों की पहचान का काम पूरा कर लिया है। अधिकारियों को एक हफ्ते में गड्ढे भरे जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए 3400 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ है। सीएम योगी ने 15 जून तक राज्य की सभी सड़कों के गड्ढे भरे जाने का आदेश दिया है। यूपी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने साफ किया है कि पकड़े गए लोगों का मुंह काला करने और मुर्गा बनाए जाने जैसी सजाएं न दी जाएं। इससे पहले एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड सजा दिए जाने के लिए कानून के तहत कार्रवाई करे और दिशा निर्देशों का पालन करे। यूपी की योगी सरकार ने राज्य के सभी बस अड्डों और रोडवेज बस डिपो को फ्री वाईफाई जोन बनाने का फैसला लिया है। परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ऐलान किया, सभी बस डिपो और सभी स्टेशन ये वाईफाई हम लोगों को करना है। यूपी के देवबंद में रेप के आरोप में अदालत में पेशी के दौरान लाए गए मौलाना मसूद मदनी पर कुछ लोगों ने हमले की कोशिश की। नारेबाजी करते हुए हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। हमले के आरोप में 8 लोगों पर नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मौलाना मसूद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के नेता महमूद मदनी के भाई हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में अब गरीब महज 5 रुपए में भरपेट खाना खा सकेंगे। नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने फिल्म सिटी के पुश्ते पर दादी की रसोई नाम से स्टॉल का उद्घाटन किया है, जिसमें गरीब परिवारों को 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। नोएडा में दूसरी जगह भी इसी तरह के स्टॉल लगाए जाने की योजना है। यूपी के मुरादाबाद में निकाह के दौरान दहेज और खाने को लेकर हुए विवाद के बाद दूल्हे और बरातियों को बंधक बना लिया गया। रामपुर से बारात लेकर पहुंचे जवान ने दहेज में मांगी गई कार नजर नहीं आने पर निकाह करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुल्हन ने भी निकाह से इनकार कर दिया और पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने शादी का खर्च वापस लौटाने की शर्त पर दोनों पक्षों में समझौता कराया। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने राज्य में वीआईपी कल्चर खत्म करने के सीएम अमरिंदर सिंह की मुहिम पर हमला किया है। सुखबीर बादल के मुताबिक लाल बत्ती हटाकर राज्य सरकार ने अपने मंत्रियों और विधायकों के आगे पीछे गाड़ियों का काफिला बढ़ा दिया है, जो उनके दावे पर सवालिया निशान लगाता है। पंजाब के संगरूर जिले में आलू के एक कोल्ड स्टोरेज में हुए धमाके की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। धमाके से कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहे 10 लोग घायल हो गए, इनमें 4 की हालत नाजुक है। धमाका इतना जबरदस्त था कि कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह ध्वस्त हो गया। धमाके की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। चंडीगढ़ में जल्द ही बाहर से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को एंट्री टैक्स देना पड़ सकता है। नगर निगम ने टैक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और व्यापार मंडल ने फैसले का विरोध किया है और टैक्स लगाए जाने पर हड़ताल की धमकी दी है।